हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त एनके प्रजापति। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस एक महामारी चल रही है, जिससे हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हर रोज़ 3 से 4 लाख केसेस आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए महामारी से बचने के लिए गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शन उनको फॉलो करें और अपना वैक्सीनेशन जल्द से जल्द कराएं, तभी हम इससे बच सकते हैं। अब जैसा कि हमारा खाली टाइम है, तो इसको हम हाइड्रोपोनिक पर प्रैक्टिस करके इसको पूरा कर सकते हैं। एक रिसर्च हम हाइड्रोपोनिक में कर सकते हैं। तो हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं हाइड्रोपोनिक की, जिसमें हम शुरू हाइड्रोपोनिक के बेसिक से लेके आपको एडवांस तक सारी नॉलेज हम आपको देंगे, ठीक है, जिससे आपको हाइड्रोपोनिक करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आइए सीधा टॉपिक पर आते हैं। हाइड्रोपोनिक दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला होता है हमारा हाइड्रो, दूसरा पोनोस। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, पोनोस का मतलब होता है लेबर, ठीक है। ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं, हाइड्रो प्लस पोनोस। हाइड्रो का मतलब पानी, पोनोस का मतलब लेबर। यानी कि हम इसको हाइड्रो लेबर का सॉरी वाटर होता है हमारा पानी, लेबर होता है हमारा कठिन परिश्रम करना या काम करना। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। हाइड्रोपोनिक को हम जो डिफाइन करते हैं तो आता है मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन वाटर, ठीक है, विदाउट सॉइल। हाइड्रोपोनिक मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन वाटर विदाउट सॉइल, ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम प्लांट को ग्रो करते हैं पानी की सहायता से और बिना मिट्टी के, उसको हम हाइड्रोपोनिक बोलते हैं। अब हमें हाइड्रोपोनिक क्यों करना चाहिए। हाइड्रोपोनिक के जो एडवांटेज है वो इतने ज़्यादा हैं, इतने बढ़िया एडवांटेज है, आप तो हर कोई ये चाहेगा कि हम को हाइड्रोपोनिक करना चाहिए, ठीक है। जो सबसे पहला एडवांटेज है वो हमारा 90% कम पानी यूज़ होता है हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग के अकॉर्डिंग। ट्रेडिशनल फार्मिंग, ठीक है, फार्मिंग के अकॉर्डिंग इसमें 90% कम पानी यूज होता है। सेकंड हमारा आ जाता है लो स्पेस, जो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग है। अब एक एकड़ में तो हम एक एकड़ की ही खेती कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक में क्या है कि हम एक एकड़ में अगर हमने हाइड्रोपोनिक लगाया है तो उस एक एकड़ की खेती है, हम उसको 10 गुना 5 गुना हम उसको हाइड्रोपोनिक में बढ़ा सकते हैं। इसलिए इसमें
हमें काफ़ी कम स्पेस की ज़रूरत होती है। तीसरा आ जाता है हमारा न्यूट्रिएंट, जो हम हाइड्रोपोनिक में न्यूट्रिएंट यूज़ करते हैं वो एक लिमिट में यूज़ करते हैं, तो जो हमारे प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है वो हमारी बेस्ट आती है, यानी कि बेस्ट क्वालिटी। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी हमारी हाइड्रोपोनिक से मिलते हैं, क्योंकि मिट्टी में हमें नहीं पता कि न्यूट्रेंट कितना पड़ा है, कम है ज़्यादा है। और जो हाइड्रोपोनिक में न्यूट्रेंट यूज़ होता है वो एक लिमिट में यूज़ होता है, एक क्वांटिटी में यूज़ होता है, इसलिए उसकी जो क्वालिटी है वो मिट्टी के अकॉर्डिंग बढ़िया आती है। आप उसको कंपेयर कर सकते हैं आप ऑर्गेनिक से। थर्ड होता है हमारा वो सॉरी फोर्थ होता है हमारा जो हम हाइड्रोपोनिक में फार्मिंग कर रहे हैं वो फास्ट यानी कि हमारी फास्ट फार्मिंग नहीं, फास्ट ग्रोथ, जो मिट्टी के अकॉर्डिंग इसमें हमारी फास्ट ग्रोथ होती है, डबल फास्ट हमारी ग्रोथ होती है। अगर मिट्टी में हमारा प्लांट एक महीने, टमाटो का प्लांट है वो हमें फ्रूटिंग दे रहा है हमारे 3 महीने में, अगर हम उसको हाइड्रोपोनिक में लगाएं वो हमें 2 महीने में ही वो हमको फ्रूटिंग देने लगेगा, जो उसकी ग्रोथ है वो उससे डबल होगी। ठीक है, उसका साइज़ भी डबल होगा प्लांट का और उसकी हाइट भी डबल होगी। ये चीज़ें मिट्टी के अकॉर्डिंग काफ़ी जल्दी डेवलप होती हैं। ठीक है, अब जो हमारा पांचवा एडवांटेज है वो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, लेकिन उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारी वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह वो नहीं, उसकी जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ रही है। ठीक है, उसकी प्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रही है, हम हाइड्रोपोनिक में कम इसमें उसकी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। सेकंड, हम उसको आउट ऑफ सीजन भी ले सकते हैं, आउट ऑफ सीजन भी ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे एक फ्रेंड है शेखर जी, हाइड्रोपोनिक में वो एक नंबर के मास्टर हैं, एक नंबर की उनके पास नॉलेज है। अब उन्होंने जो इसराइल से ट्रेनिंग की है वो बड़े प्लांट्स के ऊपर की है, कि बड़े प्लांट्स को हम हाइड्रोपोनिक में कैसे लगा सकते हैं, जैसे मैंगो हुआ, आपका गवावा हुआ, इन प्लांट्स को वो हाइड्रोपोनिक में कैसे लगाएंगे और लॉन्ग टर्म तक कैसे उनसे प्रोडक्शन लेंगे और 12 के 12 महीने उनसे प्रोडक्शन लेंगे, वो भी ग्रीन हाउस में। ठीक है, और जो इसका एक डिसएडवांटेज है, पांचवा हमारा है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन हम इसमें बढ़ा सकते हैं। अब हमारा जो इसमें आता है वो हमारा आता है कि जो इसका डिसएडवांटेज है, वो हमारा डिसएडवांटेज है जिसको लोग देख के डर जाते हैं, वो हमारा है हाई कॉस्ट। इसका
इसको देख के लोग डर जाते हैं। हाइड्रोपोनिक में शुरू में क्या एक हाई कॉस्ट लगती है, एक अच्छा खासा अमाउंट लगता है, उसको देख के लोग डर जाते हैं एकदम, यार इतना कॉस्ट इसमें आ रहा है तो हम कैसे मेंटेन करेंगे, हम ये कॉस्ट निकाल भी पाएंगे या नहीं, इससे लोग डर जाते हैं। सेकंड जो आता है वो आता है हमारा नॉलेज, ठीक है, हमारे पास इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ये दो इसके डिसएडवांटेज आते हैं जिनको लोग देख के डर जाते हैं, ठीक है। अब ये हम तभी, हमें पूरी जानकारी तभी मिल सकती है जब हम इस पर प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। जैसे जैसे इस पर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और आप लोगों के संपर्क में आते रहेंगे, उतनी आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके एडवांटेज को देखकर हमें हाइड्रोपोनिक की हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली आने वाले टाइम में, इसलिए अभी से ही हमें इस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इसमें जो टूल्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं और वो क्या काम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, बाय।